कुकुरमुत्ते और पत्ते। अच्छा यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ पर यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन मेरे दोस्त, अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे, मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे सवाल। एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा, मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूंगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम्स सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते, अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे मशरूम। देखा मैंने क्या कहा था, सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे, कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। हैं तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओ तो क्या हुआ, पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए? आओ। इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुव यह भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया, बाकी सुनो। हाँ मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो। जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और इसमें तुम कुछ 12 सिंगों को जोड़ सकते हो। 12 सिंगों को भूल जाओ, मैं पैडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। बकी है एक, बकी और बियॉन है अच्छे दोस्त, हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने, करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? गीत फ्रेनी के लिए।
पल बीते जैसे एक साल और हर दिन बनता है खास जब एक दोस्त हो आपके पास जैसे कि बियॉन एंड बकी। बियॉन और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है तुम्हारा गाना, ग्रैनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। फ्रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉन, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ, वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ। लिलियम ड्रेक्स बेयर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हम दो चार में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रैनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है, लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लाल। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। हम दो चार में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रैनी, डांस करना मत भूलना, हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ क्यों नहीं। फ्रैनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस बॉक्स को करें प्यार उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है मेरी बारी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम दो चार में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से, जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, बढ़ाते सबके होश, बैल की ऐसी ताल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी, हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रैनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सजनों, बैठो दिल थाम के, आ रही है फॉक्स राहत के। देखो ये आया चांद जमीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया। चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे, वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस बॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी, कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। पर अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे, पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूँ। शहद की चाहत।
मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बकी, फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है, टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं, जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियोन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है, चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या, शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए फ्रेनी मेरी फ्रेंड। आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं, मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ ये चाहिए, नहीं नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं नहीं ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए, ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है, तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी, जो मुझे देने वाली हैं शहद, प्यारी छोटी। आ, 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 थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। ईहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। यस। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियोन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया, मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ओ, ये तो बुरा हुआ बियोन, मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियोन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया, और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। अनजान गुफा।
देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो कबूम। हे, बचा लिया। ये लो भैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी मैं गिर रहा हूँ, पकड़ो। अरे नहीं, वाह, ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते, अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या, गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है, कहीं भी तुम फंस सकते हो, फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें, किसी भी जगह फंस सकते हैं। लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो, गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल और क्या? दो तरह के जाल होते हैं, पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सबसे खतरनाक होता है ये वाला, गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सबसे कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना, किस तरह के खतरे से भरा। हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था, तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ, इस तरह से, देखा, ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, झूले से बचो, बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो, और ये हमारी बॉल, इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह, एक मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए गुदगुदी का यंत्र। ठीक है बियोन, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। एक मिनट, हमारी बॉल। एक मिनट, हिलना मत। सुना तुमने पैरों की आवाज? किसी ने हम पर जादू कर दिया, तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है, पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है? और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है, पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे एक खतरनाक गुफा के बारे में पता है, जंगल में है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो। पेड़ पर अटकी पतंग।
मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है, क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन, पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पतंग लाकर रहूंगा। और मैं पहुंच गया। एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा, चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूं। नहीं मैं जा रहा हूं। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुंच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी, मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रेनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है, बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे अरे वाह। अरे ये क्या मजाक है। सही कहा, डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है, बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बढ़िया, इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ, और दोबारा, और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। अरे मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाएं अब? क्या बात कर रहे हो, मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं, कल खेलेंगे।
स्कूल प्ले स्कूल जाएंगे हम, खूब मजे उड़ाएंगे हम। बचाओ, ढकेलो, भागो। अरे दोस्तों गुड मॉर्निंग, चलो स्कूल स्कूल खेलते हैं। स्ट्रेस पर मत खेलो। सरेंडर मस्केटियर। मैं नहीं करूँगा। मस्केटियर कभी नहीं हारते। आओ, आओ। और इस तरह मेरा खेल खत्म होता है। और अब बकी, तुम्हारा बुरा आदमी बनने का टाइम शुरू। बुरा आदमी बनने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जीतता। ओ फ्रेनी, क्या तुम हमारे साथ मस्केटियर खेलोगी? मजा आ जाएगा। तीसरा मस्केटियर बनना बहुत अच्छा है। हमारे पास तीसरा मस्केटियर है। सीरियसली? लेकिन सुनो, तुम इस गेम का जरूरी हिस्सा बनोगी और तुम्हें ये बनने में मजा आएगा। बढ़िया, कौन सा हिस्सा है? तुम्हें बनना है पिन कुशन, इसका मतलब जानती तो हो। सरेंडर मस्केटियर। मस्केटियर कभी नहीं हारते। 101 के बराबर है और 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। मस्केटियर का पीछा, मस्केटियर की लड़ाई, सभी मस्केटियर्स को मजा आ रहा है ना? करे मस्केटियर मजा, वो भी अपने तरीके से, तो मस्केटियर का दिन होगा शानदार। सुनो दोस्तों, मैं मस्केटियर बन सकती हूं? हां जरूर, लेकिन आज बहुत देर हो गई है। बाय फ्रेनी। तो ठीक है, कल पक्का रहा। मैं मस्केटियर बनने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। तुम मुझसे बच नहीं सकते बदमाश बियॉन। ऐसा नहीं है जंगली बकी, तुम हो डरपोक काबिर। 100 के बराबर, ऐसा ही कुछ। रुको, एक दो। फ्रेनी, हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ, मुझे वो तीर दो। धन्यवाद पार्टनर। अब धूल चको टेढ़ी नाक वाले बियॉन। हाँ। तुम आलसी। फ्रेनी, क्या तुम मुझे पकड़ा दोगी? प्लीज जल्दी लाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ काउबॉय खेलूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में, कि अभी लड़ाई का वक्त है। जंगली बकी, टेढ़ी नाक बियॉन, ड्रॉ। क्या मैं ठीक खेलूं? हाँ। धमाका, एक और। और लो। बहुत थक गया, अब मैं काउबियर्स खेल के थक चुका हूँ। पकड़ लिया। क्या मैं काउबॉय फॉक्स गर्ल बन सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल। आह, लेकिन अभी हम थक गए हैं, हम ये गेम कल खेलेंगे। कल? कल भी यही कहा था। खुश रहो फ्रेनी। मुझे कहो फ्रेनी ओकले। निशाने पर। हेलो फ्रेनी। हा? हमें तुम्हारी तो जरूरत थी। एक शार्प शूटर काउ फॉक्स। ओ नहीं नहीं, वो नहीं। आज हम दोनों मंगल अभियान खेल रहे हैं, तो हम दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं और तुम एलियन मॉन्स्टर बनोगी। एक मिनट रुको, मैं तो एलियन मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तो तुम खेलना क्या चाहती हो? पहल दरअसल हम लोगों को प्ले स्कूल खेलना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। स्कूल बहुत ही बोरिंग होता है। चलो हम मंगल अभियान खेलें, कल हम प्ले स्कूल जरूर खेलेंगे। अब ठीक है ना? अपनी पसंद का गेम खेलने के लिए हमें कल का इंतजार क्यों करना पड़ता है? तुम हमें नहीं खा सकती, हम अंतरिक्ष यात्री हैं। बियॉन जल्दी गेट बंद करो। अब हम इस गेम को थोड़ी देर के लिए मेरे रूल से खेलेंगे। लगता है एलियन चला गया, अब हम लोगों को बाहर जाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? इसको ताला लगा दिया बियॉन। हमेशा ये लोग अपने चलाते हैं। बाकी देखो, एलियन वापस आ रहा है। पर वो मंगल पर क्या कर रहा है? और ये बोर्ड किस लिए? तुम बहुत अजीब एलियन हो। अब तुम मेरी कैद में हो और मेरा शैतानी दिमाग तुम्हें वो सब सिखाएगा जो मैं चाहती हूँ, वो भी दो बार। नहीं, ये अत्याचार है। लेकिन तुम कुछ भूल रही हो, हमारा रॉकेट उड़ सकता है। ने तुम कुछ कह रहे थे? बहुत हुआ फ्रेनी, ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। हमें बाहर निकालो, एलियन जीत गया। ओके तो ठीक है, मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, जो चाहो कर लो, कर लो ज्ञान का अत्याचार। अब ध्यान दो, हम बेसिक मैथ शुरू करेंगे। इन सिंबल्स को हम नंबर्स कहते हैं, नंबर्स। अब नोट्स बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा टेस्ट भी होगा और सवाल, बहुत सारे सवाल, फिर एसेज, बुक रिपोर्ट्स, बहुत मजा आएगा।